और लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक कार्यक्रम चल रहा है, आइए आपको सीधा ले चलते हैं। शहीद होना राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान माना जाता है और उसी बलिदान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार उन सैनिकों के कल्याण के लिए और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ती है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और स्वाभाविक रूप से आबादी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य होने के नाते देश की सेना में, देश के अर्धसैनिक बलों में उत्तर प्रदेश के नौजवानों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है। हमारे पास अकेले उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4.5 लाख से अधिक पूर्व सैनिक हैं। उनका अदम्य साहस और पराक्रम उनकी जवानी के समय में देश की सीमाओं की सुरक्षा किया और आज भी उनकी ऊर्जा, उनकी प्रतिभा और उनके अनुशासन से प्रदेश विभिन्न रूपों में लाभान्वित हो रहा है। पूर्व सैनिकों की अधिकतर समस्या और उनके पुनर्वास, उनके पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए यहां पर न केवल पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड कार्य कर रहा है, अभी तो समय समय पर सिविल सैन्य बैठकों के माध्यम से भी प्रतिवर्ष इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में बेहतर प्रयास होता है, क्योंकि सेना की वर्तमान में कार्यरत जवानों और अधिकारियों के साथ साथ सेना हमेशा अपने पूर्व के उन जवानों के बारे में सदैव संवेदनशील रहकर के उसके बारे में चिंता करती है और इसके लिए राज्य सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्ता का सिलसिला चलता रहता है, बैठकें होती हैं। प्रदेश के अंदर हम हर वर्ष सेना के अधिकारियों के साथ बैठते हैं, पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, उनकी समस्याओं के समाधान, समयबद्ध समाधान के दिशा में क्या प्रयास होने हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकती है, इस दिशा में जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है, जो कार्य योजना आगे बढ़ती है, उसी के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों के बारे में निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है। राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र सैनिकों, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत सैनिकों के कल्याण हेतु प्रदेश के जो मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को शासकीय नियुक्ति दिए जाने का निर्णय 19 मार्च 2018 के शासनादेश द्वारा लिया गया है। आप जानते हैं 19 मार्च 18 के पहले प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार जवान के शहीद होने पर परिवार को मदद करती थी, राज्य सरकार भी अपने स्तर पर मदद करती थी, लेकिन जब सिविल सैन्य जो हमारी बैठकें हुई हैं या सैनिक कल्याण बोर्ड के साथ जब हमारी बैठकें समय समय पर होती हैं, तो जो प्रस्ताव और जो उनसे जुड़ी हुई समस्याएं राज्य सरकार के पास आई, तो उसी के क्रम में राज्य सरकार को यह फैसला लेना पड़ा और उस आधार पर हम लोगों ने मार्च 17 से ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया और उस क्रम में आज दूसरी बार यहां पर हम लोग शहीद सैनिकों के परिवारजनों को नियुक्ति पत्र वितरण करने की इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। विगत वर्ष भी हम लोगों ने इससे पहले के जितने भी ऐसे प्रकरण थे,
जिसमें दो तीन परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी अनिच्छा व्यक्त की, या एक परिवार ऐसा था जो पहले से सेवायोजित था, लेकिन शेष सभी मामलों में विगत वर्ष उन सभी मामलों का हम लोगों ने यहाँ पे निराकरण करके उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उन सभी परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने आप को देश की सुरक्षा के लिए समर्पित किया, जिनका बलिदान देश के लिए एक सर्वोच्च बलिदान है, उन परिवारों को आज यहां पर हम लोग नियुक्ति पत्र देकर के राज्य सरकार भारत माता की उन महान सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। और आज इस समारोह इसी बात को लेकर के यहां पर आज आयोजित किया गया है। प्रदेश सरकार ने इससे पहले अन्य बहुत सारे निर्णय लिए, खासतौर पर 15 जून 2018 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1986 से पूर्व वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल वीरता, मेंशन इन डिस्पैच से विभूषित पदक विजेताओं को भी दी जाने वाली नगद पुरस्कारों में उल्लेखनीय वृद्धि करने का कार्य भी राज्य सरकार के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत परमवीर चक्र विजेताओं को जो वर्ष 1986 से पूर्व विभूषित हैं, उन्हें एक मुश्त 32,50,000 रुपए का वार्षिकी 1,95,000 रुपए की धनराशि प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। पहले ये मात्र 15,000 रुपए एक मुश्त तथा 1,000 रुपए वार्षिकी प्रदान करने की व्यवस्था थी। इसी प्रकार वीरता पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश के निवासी सैनिक जनों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही एक मुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि 10 जुलाई 2018 से राज्य सरकार ने उसमें उल्लेखनीय वृद्धि की है। खासतौर पर वीरता पुरस्कार प्राप्त वाले हमारे सैनिक परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपए, महावीर चक्र विजेता को 31 लाख रुपए, वीर चक्र विजेता को 20 लाख रुपए एक मुश्त और क्रमशः 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष देकर उनका मनोबल बढ़ाने का भी निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। पूर्व सैनिकों तथा वीर नारियों के समुचित पुनर्वास और उनके सम्मानजनक जीवन यापन के लिए शासन ने उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपए तक के ऋण की ब्याज दरों में 4% अनुदान वहन करने का भी निर्णय लिया है, ताकि ऋण अदायगी में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके। इसके अंतर्गत प्रतिपात्र लाभार्थी 12,000 रुपए तक अनुदान देने की व्यवस्था शासनादेश द्वारा भी सरकार ने पहले इसमें निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा यह अनुभव भी किया गया है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर इसी तो स्थापित निधि से औसतन 1,75,00,000 रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष एकत्र होती है, जिससे सैनिकों को अपेक्षित कल्याण संभव नहीं हो पाता है। सैनिकों के कल्याण और व्यापक हितों के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत पहली बार यह निर्णय लिया गया कि एकत्र की जाने वाली धनराशि की 3 गुना से अधिक राशि शासन द्वारा अपनी तरफ से निधि में जमा कराई जाएगी, ताकि हमारे वीर सैनिकों के कल्याण हेतु धनराशि की कमी न रहने पाए। प्रदेश सरकार द्वारा सैनिकों के कल्याण तथा उनके सुख सुविधाएं हेतु 5.5 करोड़ रुपए की धनराशि से 4 जनपदों में यथा प्रयागराज, मेरठ, कौशाम्बी तथा मऊ में नवीन सैनिक कल्याण कार्यालय व पूर्व सैनिकों के लिए विश्राम गृह का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके अलावा 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि से 9 जनपदों में सैनिक विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है। भविष्य में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के समस्त सैनिक विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार कराए जाने की योजना है, ताकि वीर सैनिकों और जवानों को जब सैनिक कल्याण कार्यालय जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। इस वर्ष माह फरवरी में प्रदेश में पहली बार भव्य और दिव्य डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है, जिसके माध्यम से न सिर्फ प्रदेश एवं देशवासियों को रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक एवं शस्त्रों का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होगा, अपितु
प्रदेश में विकसित किए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना हेतु व्यापक स्तर पर निवेश का उपलब्ध भी एक अवसर भी उपलब्ध होगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से प्रदेश में व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा और साथ ही साथ हम मेक इन इंडिया की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन भावनाओं के अनुरूप सेना को शस्त्र से सुसज्जित करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। प्रदेश सरकार द्वारा समूह ब व स की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु 5% का आरक्षण पहले से ही प्रदत्त है। तथापि यह संज्ञान में आया है कि कतिपय कारणों से समस्त उपलब्ध पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाती है। प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध सभी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति करने हेतु तो प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार सैनिकों के कल्याण के प्रति संवेदनशील होकर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश में निवेश निवास करने वाले सभी पूर्व सैनिकों सहित राज्य के समस्त सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों का सदैव मनोबल बना रहे। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को एक बार पुनः आप सबको आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों, वर्तमान में कार्यरत सैनिकों और सभी शहीद सैनिक परिवारों को उन वीर परिवारों के प्रति पूरी संवेदनशील तरीके से पूरी संवेदना के साथ उनके हितों को संरक्षण करने और उन्हें हर संभव सहायता करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज यहां पर जिन 11 परिवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, मुझे विश्वास है कि सैनिक कल्याण बोर्ड निरंतर इस दिशा में प्रदेश शासन के साथ संवाद बनाते हुए इस कार्यक्रम को हमेशा शासन के संज्ञान में लाता रहेगा। एक बार पुनः नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले इन सभी वीर परिवारों का मैं अभिनंदन करता हूं। इन परिवारों के जिन जवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है, उन सब के प्रति मैं उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार सदैव आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। तो लखनऊ में आपको बता दें कि सीएम आवास में ये कार्यक्रम, जहां पर सीएम योगी ने शहीदों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र यहां पर सौंपे हैं और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि नियुक्ति पत्र देकर शहीदों को सम्मान सरकार कर रही है और सैनिकों के सम्मान की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। जो संभव हो वो मदद यहां पर शहीदों के आश्रितों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी से ज़्यादातर यहाँ पर जो जवान हैं वो भर्ती होते हैं। पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी वोट की बात उन्होंने कही है और कहा है कि पूर्व सैनिकों की मुख्य समस्या जो है पुनर्वास है और ऐसे में कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह की दिक्कत शहीदों के आश्रितों को न हो।